हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोहन मिश्रा और स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। बहुत लंबा समय हो गया, काफ़ी गैपिंग हो गया मेरे वीडियोस में, क्या बताऊँ, कुछ कारण उसमें कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे। और अब आज जाके मैं अपने कार का सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ। दूसरा सर्विसिंग है मेरे कार का और तकरीबन ये कार चल चुका है, अभी दिखा रहा हूँ आपको, 6600 किलोमीटर चल चुका है कार और सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ। अभी तक कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए एवरेज इस समय कितना दे रहा है, नॉर्मली मैं चल रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए एवरेज 17.5, मतलब वही 17.5 के आसपास का एवरेज दे रहा है, बढ़िया है। और मतलब ओवरऑल मुझे एवरेज ऑन ग्राउंड मिला है लगभग 14 के आसपास, 13-14 ऐसे ही एवरेज मिला है। ठीक है, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, मेजर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं महसूस हुआ। हालांकि कलर वाइज थोड़ा सा मेरा नेक्सा ब्लू कलर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, और अब जाके इसका रियलिटी में डिसएडवांटेज क्या क्या पता चल गया धीरे धीरे करके 3-4 महीने के एक्सपीरियंस के बाद। एक और प्रॉब्लम हो रहा है, इसका जो रिवर्स गियर है, जब भी मैं रिवर्स गियर लगा रहा हूँ तो प्रॉपर लग नहीं रहा रिवर्स गियर, वहाँ पर थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। तो देखते हैं, इसको हो सकता है रिजॉल्व हो जाए थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा तो, और बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जो नॉइज वगैरह है बॉडी का आप थोड़ा बहुत सुन भी सकते हैं, तो ये खड़बड़ खड़बड़ करते रहता है रेटल नॉइज, ये थोड़ा सा मतलब मुझे अटपटा लगता है, समझ में नहीं आता है कि इतना नया गाड़ी और फिर भी मतलब ये सब जो आवाज़ें करती है बहुत बेकार लगते हैं। चलिए दिखाता हूँ सर्विसिंग में क्या क्या कराते हैं, कितना कॉस्ट आता है, सब कुछ आपको बताऊँगा। चलिए तो दोस्तों, फाइनली 3 घंटे के बाद अपना कार का सर्विसिंग हो गया है। सेकेंड सर्विसिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं करते हैं, वही ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह, फिल्टर वगैरह साफ़ करते हैं, चेक करते हैं इन सब चीज़ों को, और नॉर्मल वही हवा वगैरह है कि नहीं टायर्स में, कैसे हैं, सब वही सब है। नट बोल्ट अगर कहीं कुछ ढीला ढूला है, आप पर्सनली कुछ बोलेंगे कि भाई यहाँ से आवाज़ आ रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो वही सब चेक करते हैं। बाकी ये जो मेरा गियर वाला जो प्रॉब्लम था रिवर्स का, तो मैट का कुछ इशू था, मैट आगे खिसक गया था, क्या हो गया था बोल रहा था, तो एक बार टेस्ट ड्राइव वगैरह किया, टेस्ट ड्राइव करने के बाद बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है बिल, तो देखिए 0 अमाउंट का बिल आया है, कुछ भी एकदम 0 है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग दोनों के दोनों फ्री रहते हैं। अब थर्ड सर्विसिंग से जो भी पार्ट्स वगैरह लगेंगे उनका पैसा लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। तो जो भी है एक्सपीरियंस आपको शेयर करते रहूँगा, और साथ ही साथ बहुत ही जल्द मैं लगभग 7000 के आसपास गाड़ी चल चुका है, तो एक लंबे समय का ओनरशिप रिव्यू भी करके ले आऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने इस गाड़ी में अभी तक झेला है और क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इन टाइप का मतलब एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि भाई XL6 आपको लेना चाहिए फिर नहीं, और क्यों लेना चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।